हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई स्टूडेंट्स आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख भी सकते हो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट्स आर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल साइंस से उनको कौन कौन से यूनिट्स के कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं यानी कि कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैं यहाँ आप पर आपको जानकारी देने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप जैसे मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिलेबस आपके सामने खुल गया है ऑफिशियल साइट से मैंने ये सिलेबस लिया है सबसे पहला पेपर वन का सिलेबस की हम बात करेंगे तो पेपर वन में सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपका सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा जिसमें गॉस लॉ उसके एप्लीकेशन लाप्लास पॉइजन इक्वेशंस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स मैग्नेटोस्टेट्स देन उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जिसमें कि वही आपका बायोसेवर्ट्स लॉ है एम्पेयर्स लॉ है मैक्सवेल वैल्यू इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, इंडक्शन है uh, और ये बाउंड्री कंडीशन है इस पर देन आपको स्केलर और वैक्टर फील्ड्स हैं गॉज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डायलैक्ट्रिक्स कंडक्टर्स रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन और प्रेजनल लॉ इंटरफेरेंस कोर और डिफ्रेक्शन डिस्पर्दन रिलेशन इन प्लाज्मा क्लोरेंज इन वेरियंस ऑफ मैक्सवेल पार्टिकल्स इन स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म फील्ड्स देन रेडिएशन और डायपोसन रिटार्डेड पोटेंशियल्स ये आपके टॉपिक रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के देन इलेक्ट्रॉनिक्स के हम बात करें तो पी एन जंक्शन डायोड है आपका देन आपका ट्रांजिस्टर्स है फीडबैक इन एम्पलीफायर्स हैं ऑसीलेटर्स हैं एफ ई टी मोसपैट उनके एप्लीकेशन है इम्पॉर्टेंट है ओपेम बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसकी एप्लीकेशन है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स है एडर इंटीग्रेटर डिफ्रेंशिएटर वेव जनरेटर ये सारे टॉपिक्स आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि बुलियन एलजेब्रा है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं NAND NOR गेट्स हैं फुल हा एडर हाफ एडर कार्नोट मैप ये सब देन सर्किट एनालिसिस में एनर्जी सोर्सेज हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स किरचॉफ्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस फोर टर्मिनल नेटवर्क्स ZY एंड H पैरामीटर्स थेवेनिन थ्योरम है नॉरटन थ्योरम है आपको पता है इंपॉर्टेंट uh, है थेवन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम भी आपकी मैक्सवेल पावर ट्रांसफर थ्योरम है ये भी इम्पोर्टेंट है सुपर पोजिशन इंपॉर्टेंट है ये भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम है मिलर थ्योरम है टी एंड पी आई नेटवर्कस है मीन एंड आर एम एस ये एल सी आर सी आर एंड एल आर सर्किट्स आप देख ही सकते हैं मेरी स्क्रीन पर दे अब एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में आपका हाइड्रोजन आइटम हो गया है ना हाइड्रोजन आइटम हो गया स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का हीलियम का एल्कली आइटम्स का देन आपका वेक्टर मॉडल ऑफ आइटम हो गया देन आपका इसमें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन हो गया हाइपर फाइन स्ट्रक्चर हो गया और जीमान इफेक्ट हो गया है ना आशन बैक इफेक्ट हो गया स्टार के इफेक्ट हो गया एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई इलेक्ट ई एस आर एन एम आर ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है केमिकल शिफ्ट रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड रमन इंस्पेक्टर ऑफ डायटोमिक मोलिकुल्स राइट देन आपका फ्रेंक ऑन डॉन प्रिंसिपल है सर्ज के सिलेक्शन रूल्स स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर्स में आइंस्टीन कोफिशियंट्स के बीच में रिलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर्स में आइंस्टीन कोफिशियंट्स के बीच में रिलेशन और ऑप्टिकल पंपिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन ये सब आपके एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स के टॉपिक्स हैं देन आपका नेक्स्ट आता है कंडेंस मैटर फिजिक्स का तो कंडेंस मैटर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो आ, बेसिक ही है शुरुआत यहीं से होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मिलर इंडस्ट्रीज ब्राविस डिफ्रेक्शन स्ट्रक्चर फैक्टर बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज फोनोन्स लैटिस स्पेसिफिक हीट फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट और इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट दैन थर्मल कंडक्टिविटी भी आएगा इसमें रूट मॉडल है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी और बोड्समैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन और थर्मल सॉरी सोमर फील्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एटॉमिक मैग्नेटिज्म डाया मैग्नेटिज्म पैरा मैग्नेटिज्म हॉल इफेक्ट एंड क्यूरी लैंग्वेज एंड क्वान्टम थ्योरीज ऑफ मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स ये ट्रॉनिक पैनी मॉडल आ गया आपके पास यहाँ पर देन इफेक्टिव मास कंसेप्ट ऑफ होल्स इंसुलेटर सेमी कंडक्टर सुपर कंडक्टिविटी टाइप वन टाइप टू बी सी एस थ्योरी डी सी एंड ए सी जो सब्सन इफेक्ट सेमी कंडक्टर लॉज ऑफ मास एक्शन इंप्योरिटी कंडक्टिविटी रिकॉम्बिनेशन मकैनिज्म फोटो कंडक्टिविटी एंड फोटोल्यूमिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके आप, जो आपके सिलेबस में गिवन है कंडेज मेटरफिजिक्स के ये तो मैंने आपको बताया कि पेपर वन के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप पेपर टू की भी बात कर लेते हैं हम कि क्या क्या टॉपिक्स uh, आपके इंपॉर्टेंट है ये आपके पांच टॉपिक पांच यूनिट्स के जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं ठीक है देन अब हम बात करें अगर पेपर टू की तो पेपर टू में देख सकते हो एमएम आएगा एम में आपको पता है वैक्टर एल है और वेक्टर कैलकुलस है डिफरेंशियल इक्वेश्स है और मैथम और न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपका इंटरपोलेशन पोल्यूशन एक्स्ट्रा पोल्यूशन रूल आ जाएंगे देन आपके स्पेशल फंक्शंस भी हैं है ना स्पेशल फंक्शंस जैसे लेग्रे फंक्शंस लेजेंड्रे हैं बेसल हरमाइट फंक्शंस और एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी है रेंडम वेरिएबल्स हैं बाइनोमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है मैं एम एम पी में देन क्लासिकल मकैनिक्स में फेस स्पेस प्रोजेक्ट्री न्यूटन लॉस बेसिक न्यूटोनियन मकैनिक्स का है स्टेबिलिटी एनालिसिस ये भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स का टॉपिक है सेंट्रल फोर्स मोशन कैपुलर लॉस ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल्स टू बॉडी पोलिजन स्कैटरिंग इन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स रिजिड बॉडी डायनामिक्स है एंगुलर मोमेंटम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है नॉन इनर्शियल फ्रेम और सूडो है देन वेरिएशनल प्रिंसिपल है और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर्मेलिज्मन्स ऑफ मोशन है देन आपका पीरियॉडिक मोशन स्मॉल ऑसिलेशन इन नॉर्मल मोड्स डैम्ड हारमोनिक ऑसिलेशन डाइवन हारमोनिक ऑसिलेशन वेव्स इन मीडिया सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, स्पेशल थ्रू रिलेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एस टी आर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, रिलेटिविस्टिक कानामेटिक्स एंड मास एनर्जी इक्वलेंस कानाटिक्स ऑफ मूविंग फ्लड्स फिर आपकी फ्लू डायनामिक्स थोड़ी यहाँ पर इंक्लूड करी गई है यहाँ पर आपका बर्नॉलीस थियोरम विस्कॉसिटी और सरफेस टेंशन भी आपका इसमें है देन क्वांटम मकैनिक्स में आप जानते हैं यहाँ पर कि सबसे शुरुआती ओल्ड क्वांटम मकैनिक्स से होती है यहाँ पर वेव पार्टिकल डिटी वेव फंक्शन वेव फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम देन हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है डायरेक्ट ब्रायन कैट नोटेशन है स्रोजिंगर इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इनडिपेंडेंट दोनों देन आपके पास इसमें आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स है पार्टिकल इन अ बॉक्स है हार्मोनिक ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट है टनलिंग है थ्रू अ बैरियर मोशन सेंट्रल पोटेंशियल में है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंट एलजेब्रा है स्पिन और एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन आइटम तो वेरी इंपॉर्टेंट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ये भी और फाइन स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए ये फाइन स्ट्रक्चर और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में लिख रखा है बट ये आप एटोमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं ठीक है थीके? देन टाइम इंडिपेंडेंट पल्ट्रवेशन थ्योरी एप्लीकेशन उसके वेरिएशनल मैथड है डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन है टाइम डिपेंडेंट पल्टरवेशन थ्योरी है जिसमें फर्मी गोल्डन रूल आप पढ़ेंगे कलेक्शन रूल्स पढ़ेंगे सेमी क्लासिकल थ्योरी रेडिएशन की क्या है एलिमेंट्री थ्योरी क्या है स्कैटरिंग की फेज शिफ्ट पार्शल वेव्स जिसमें स्कैटरिंग थ्योरी में आ जाता है पार्शल वेव्स ये बॉन्ड ओपन सॉरी बॉन्ड आइडेंटिकल पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है पॉलिजिक्स स्टूडेंट प्रिंसिपल स्पिन स्टैटिस्टिक्स कनेक्शन रिटिविस्टिक क्वांटम मकैनिक्स एंड क्लाइंट ऑर्डर एंड डायरेक्ट इक्वेशन ये थोड़ा सा आपका एडवांस क्वांटम मकैनिक्स का पार्ट है क्लाइंट ऑर्डर एंड डायरेक्ट इक्वेशन ओके देन आपका पेपर टू में फोर्थ यूनिट है थर्मोडानेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की जिसमें कि आपके लॉज ऑफ थर्मोडायनिक्स और उनके कॉन्सिक्वेंसिसन थर्मोडायनिक पोटेंशियल और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन मैक्सवेलिक वैलिक रिलेशन केमिकल पोटेंशियल फेज इक्या फेज स्पेस माइक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स माइक्रो कैनोनिकल एंड कैनोनिकल ग्रैंड इकनानिकल एनसैम्बल्स पार्टीशन फंक्शंस फ्री एनर्जी कनेक्शन एंड थर्मोडाइनमिक क्वान्टिटीज़ देन फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पेज ट्रांजिशन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देन क्लासिकल क्वांटम स्टैटिस्टिक्स यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है एनसैम्बल्स वगैरह वाले माइक्रो कैनोनिकल कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल्स ये इंपॉर्टेंट है आपका पार्टीशन फंक्शन लिखना आपको आना चाहिए यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है देन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आइडियल बोस गैस जरूर आपको पता होना चाहिए यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बो साइंसियन कंडेंसेशन बो साइंसटियन कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट रैंडम वॉक भी इंपॉर्टेंट है ब्राउनियन मोशन के आपको रिजल्ट पता होने चाहिए इंट्रोडक्शन टू नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस डिफ्यूजन इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है डायरेक्ट इक्वेशन ही पता करनी है इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना इंट्रोडक्शन जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस में डिफ्यूजन इक्वेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए डीपली आपको नहीं स्टडी करना है इनको नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस को ओके okay? देन आपका न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में है बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है शेप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्पिन एंड पैरिटी बाइंडिंग एनर्जी है सेमी इंपेरिकल मास फॉमर लिक्विड ड्रॉप मॉडल है फिजन एंड फ्यूजन है देन नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंस एंड चार्ज सिमेट्री ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज आई स्पिन ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम एविडेंस ऑफ शैल स्ट्रक्चर सिंगल पार्टिकल शैल मॉडल इट्स वैलिडिटी एंड लिमिटेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा एलिमेंट्री आइडिया जैसे कि अल्फाबीटा उगामा डी के आपको पता होना चाहिए देन आपका कंपाउंड न्यूक्ली डायरेक्ट रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए और क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फ़ोर्सेज ये जो है आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फंडामेंटल फोर्सेज आपको पता होनी चाहिए जो, uh, अलग, -अलग, जो uh, अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में फंडामेंटल फोर्सेज आपकी हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैगने इलेक्ट्रिक फोर्स है देन न्यूक्लियर फोर्स है विच इज़ अ अस्ट्रॉन्ग फोर्स है ना देन इसमें आपका वीक फोर्स आ जाएगी राइट एंड देन आपका इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी है ना तो ये चारों फोर्स आपको पता होनी चाहिए देन इसमें गैलमैन निशिगमा फार्मूला आपको पता होना चाहिए सीपीटी पी पता होना चाहिए देन एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स टू पार्टिकल रिएक्शन पैरिटी कंजर्वेशन वीक इंट्रेक्शन पेनल्टी नॉन कंजर्वेशन यूनिक इंटरेक्शन और पार्टिकल एक्सेलेटर्स और डिटेक्टर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि पार्टिकल के पार्टिकल को एक्सेलेट किन किन चीज़ों से करा जा सकता है और डिटेक्ट कैसे कैसे करते हैं तो ये ये सारा आपका पूरा मैंने आपको बताया है आर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस बीच बीच में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंशन करें वो जरूर आपको करने हैं करना तो पूरा सिलेबस ही है लेकिन फिर भी आपको उन टॉपिक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, मैंने आपको बीच बीच में टॉपिक्स बताएँ ठीक है तो ये था हमारा आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू हैप्पी लर्निंग गुड बाय